तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हमारे स्कूल वापस से बंद हो चुके हैं और ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है। मतलब इवन दो मैं अभी रो रहा हूँ वीडियो बनाते वक्त, क्योंकि जो हमारे स्कूल्स है वो बंद हो चुके हैं और इसी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ। समझ रहे हो ना, मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप भी दुखी हो या फिर खुश हो। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे और वीडियो का टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा सही है, इसलिए अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो कर क्या रहे हो यार, कर दो। और लाइक के साथ सब्सक्राइब फ्री होता ही है, तो उसको भी दबा दो। तो आई होप कि आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन दबा दिया होगा, और अगर नहीं दबाया है तो दबा दो सब्सक्राइब बटन। ओके, कुछ और नहीं, सब्सक्राइब बटन। तो ओके गाइस, अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का ये वीडियो होने वाला है कवाकी के नए कर्मा के बारे में, क्योंकि जैसा कि हमें पता है, हमारी मांगा के अंदर वापस से कवाकी को न्यू कर्मा मिल चुका है और उसी के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो देखो, जो कवाकी का न्यू कर्मा है उसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं लगा है हमें, लेकिन इतना पता लग चुका है जिसका न्यू कर्मा है वो एकदम वेपन वाला कर्मा है। और अगर आसान भाषा में कहूँ तो वो कोड जैसा कर्मा है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है, कोड के कर्मा के अंदर कोई भी रिबर्थ नहीं ले सकता। तो सेम वैसे ही हमारे कवाकी के न्यू कर्मा में हो सकता है, अकॉर्डिंग टू अमाडो। रियलिटी तो किसी भी नहीं पता, क्योंकि रियलिटी है फॉर पाइडन, क्या मालूम उसमें वापस से रिबर्थ हो सके। और ये सब अमाडो का प्लान था, कुछ भी हो सकता है, या फिर सच में अमाडो बेचारा अच्छा बंदा हो। लेकिन अब बात करते हैं कवाकी के न्यू कर्मा के बारे में। तो जो कवाकी का न्यू कर्मा है उसकी पावर्स से एकदम सेम है, और इसी के साथ हमारे कवाकी को मिला है एक नया जुजुत्सु। इस जुजुत्सु की क्या खास बात है ये भी हमें किसी को नहीं पता है, लेकिन शायद इससे कुना इकोना वाली एबिलिटी परफॉर्म कर पाए, और शायद इसे हमारे कवाकी मन मुताबिक एक्टिवेट कर पाए, किसी भी नहीं पता। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, जो हमारे कवाकी का कर्मा है उसी के साथ उसकी जुजुत्सु एक्टिवेट होती है, क्योंकि वही वाला सीन याद कर लो जब हमारा कवाकी रसिंगन को अब्सॉर्ब कर रहा था, तब उसको उस जुजुत्सु की क्या जरूरत थी, लेकिन फिर भी उसने उसे तब एक्टिवेट करा था। या फिर उसकी पावर सुकुना हिकोना से एकदम टोटली अपोजिट हो। लेकिन अगर इस जुजुत्सु की एबिलिटी वो सुकुना हिकोना वाली ही हुई तो ये तो हमें कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ भाई, कर्मा के साथ ही वो एक्टिवेट होती है, या फिर कर्मा अप्लाई करने के बाद उसकी खुद की मर्जी हो कि कब दिखानी है और कब नहीं। कुछ भी हो सकता है, इस बात में मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, लेकिन उसमें इसी का रिबर्थ तो नहीं होगा अकॉर्डिंग टू अमाडो। अगर अमाडो सच बोल रहा होगा तो उसमें इसी का रिबर्थ नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमारा कवाकी अब एक गॉडफादर बन चुका है, क्योंकि उसके पास भी एक डोजुत्सु है और ऊपर से कर्मा भी। और अगर हम थोड़ा एनिमे वाले कवाकी के ऊपर फोकस करें तो उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट कुछ अलग ही तरीके से चल रहा है। मतलब भाई, स्ट्रांग बनना चाह रहा है वो, मतलब कुछ अलग ही आग लगाना चाह रहा है वो। और किसी ऐसे बंदे की मौत पे जिसे वो जानता तक नहीं था, उसकी मौत पे भी वो रोता था, तब तो भाई कवाकी के बारे में हम कुछ बुरा बोल नहीं सकते। और ऊपर से शायद एडा भी हमें एनिमे के अंदर इंट्रोड्यूस होने वाली है जल्द ही, किसे पता, शायद वो मोमोची की हो, क्योंकि एक एपिसोड के टाइटल में हमें लिखा था, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मुझे इतना जरूर याद है कि या तो जल्द ही हमें मोमोची की वापस से दिखने वाला है, या फिर हमें एडा दिखने वाली है। क्या लगता है आपको, एडा या मोमोची की? कमेंट करके बताओ। तो हाँ, अब मैं थोड़ी बहुत बुरुटो एनिमे की न्यूज़ के बारे में बात कर लेता हूँ, जो कि मैं काफ़ी दिनों से करना चाह रहा था, लेकिन अगर मैं सेपरेट वीडियो बनाता तो वो काफ़ी छोटी बन जाती, इसलिए इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो वापस से हमारे बोरूटो एनिमे में फिलर्स चलने वाले हैं 2022 में, और वो 2022 पूरा साल फिलर्स का ही निकलेगा। और इसका रीज़न ये है कि जो हमारी किमोटो सेंसे ने बोरूटो की स्टोरी लिखी थी वो फैंस को ज़्यादा पसंद आ नहीं रही है, तो इसलिए वापस से कमांड हमारे किशिमोटो सेंसे अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, और वो ले भी लिए हैं। तो भाई, जब एनिमे का राइटर चेंज होता है ना, तो फिलर्स चलना तो कन्फर्म होते ही है। तो हाँ भाई, बोरूटो एनिमे के अंदर भी फिलर्स चल रहे हैं, लेकिन यार एक साल तक फिलर कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। देखते हैं क्या होता है, शायद ये न्यूज़ फेक हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है ये न्यूज़ फेक होगी। तो अगली न्यूज़ जो हमारे सामने आई है वो ये कहती है कि जो हमारी मांगा की स्टोरी है वो एनिमे से काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाली है, और एनिमे कैनन अब भर भर के लाए जाने वाले हैं। वैसे ऐसा हो ही रहा है, ऑलरेडी ऐसा ही हो रहा है, एनिमे के अंदर बोरूटो के पास जुगान दे दी, पूरा का पूरा एक करेक्टर बना दिया, पूरा का पूरा एक आर्क बना दिया। तो भाई, ये चीज़ तो हमें होती हुई दिख भी रही है, और शायद फ्यूचर में ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाए, किसे पता, लेकिन लगता तो ऐसा ही है। तो ओके गाइस, लेट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और नीचे कमेंट करके बताना कि अगली वीडियो किस पे बनानी चाहिए। तो ओके गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।